लेपिस लेजुली। अब ये क्रिस्टल भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया है, सबसे पहले तो बीइंग अ ब्लू कलर इट इज कनेक्टेड विद द कौन सा एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर एलिमेंट जो थ्रोट चक्र पे आ जाता है। ब्लू है कलर उसका थ्रोट चक्र का, विशुद्धि चक्र, समित जी विशुद्धि चक्र, ठीक है थ्रोट चक्र। तो इसके अंदर ये जो क्रिस्टल है सबसे ज्यादा हम इसको लेते हैं, ये मिलता है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी क्रिस्टल है। इसके भी लोग अपनी पूरी पूरी फ्लोरिंग करवाते हैं, महंगा क्रिस्टल है, पूरी फ्लोरिंग करा देते हैं, मतलब इसी टाइप से। ये भी फेल्डस्पार ग्रुप का है, इसके अंदर छोटे छोटे इंक्लूजन्स आप ये देख रहे हैं जो गोल्डनिश है या ग्रेश है, छोटे छोटे इंक्लूजन्स पायराइट के होते हैं। पायराइट क्या होता है, मेटालिक आयरन ओर, ठीक है थोड़ा सा मेटालिक इसके अंदर शीन होती है। ये क्रिस्टल गिव्स हेल्प्स इन गिविंग द एंट्री टू द फर्स्ट मेंटल लेवल जो हमारे थ्रोट चक्र से जाता है, जो हायर लेवल्स पे जाता है। तो ये काफी लोग कैसे यूज करते हैं, इसकी माला बना के, माला पहनते हैं, वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है तो इसकी माला पहनते हैं लोग इसको। तो ग्रीन या फिर ये लेपिस की इनकी माला होती है क्योंकि ये सीधा कनेक्ट करते हैं आपको डिवाइन से, फ्री देता है, ठीक है। ब्लू कलर क्रिस्टल मिडल ईस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिलता है, समटाइम्स कॉस्टली तो होता ही है, ये कॉस्टली ही होता है, समटाइम्स नहीं मोस्टली कॉस्टली होता है। ये लुजुली लेजुराइट इसको कहते हैं, इसका लुजुली लेजुराइट इसमें एक मिनरल का नाम है जो इसको कलर देता है, और ये इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है। अफगानिस्तान या पाकिस्तान से ना पहले जैसे इजिप्ट की तरफ जाता था ये क्रिस्टल, और इजिप्ट में बहुत ज्यादा यूज होता था, एंशिएंट टाइम से ही यूज होता है क्योंकि इसका ना रॉयल कलर होता है ब्लू, और ये उनको मालूम था कि डिवाइन से कनेक्ट करता है। तो जब जिसने मेरा फर्स्ट वेबिनार देखा होगा मैंने ये एक्सप्लेन किया था, इजिप्ट के लोगों के आईज वो देखते थे ना कॉस्मेटिक के लिए, वो ब्लू आईज होती थी, पूरी ब्लू आईज, वो क्यों आईलेट पे क्यों ब्लू कलर लगाते थे, लैपिस को चूरा करके लगाते थे, लैपिस का चूरा एकदम फाइन पाउडर कर लेते थे और आईज पे लगाते थे। उनका ये मानना था कि ये हमें एक डिवाइन वर्ल्ड में ले जाएगा, हमारी सीधी कनेक्टिविटी डिवाइन से करेगा, तो वो इसलिए कॉस्मेटिक यूज में लेते थे, ठीक है। थ्रोट चक्र से ये कनेक्ट होता है, क्रिएटिव फील्ड्स, अगर आपको क्रिएटिव फील्ड्स में जाना है या फिर आपको एक क्लैरिटी चाहिए क्रिएटिव फील्ड में या एनहेंसमेंट चाहिए, यूज दिस क्रिस्टल। जब मेरे पास कोई भी क्रिस्टल नहीं था, मेरे पापा ने फर्स्ट मुझे लैपिस लाजुली की माला गिफ्ट की थी व्हेन आई वाज एन इंटीरियर डिजाइनर, और मुझे नहीं मालूम था ये क्या काम करता है, आई यूज टू वेयर। मैंने सबसे पहले चांदी के अंदर लैपिस लाजुली का एक ये क्रिस्टल विदाउट नोइंग व्हाट इज दैट मैंने गिफ्ट किया था, वो उसके लिए एकदम सुपर तालिस्मान बना था, व्हिच यू यूज्ड टू यूज इट, मतलब वो अपने एक लकी चार्म की तरह रखती थी उसको, और हमेशा उसके सारे काम होते थे, हमें नहीं मालूम था, बस मुझे उसकी एफिनिटी थी, मुझे उसकी तरफ, मुझे बहुत अच्छा लगता था इसीलिए। बट वो क्रिएटिव आपकी फील्ड्स खोलता है, बहुत अच्छा क्रिस्टल है ये, ठीक है। थ्रोट और थैमस रीजन पे रहता है, थैमस रीजन इज टू थैमस जो हार्ट चक्र से अपर रीजन होता है, वो आपको इम्यूनिटी देता है, ठीक है, और हैप्पी रहने के लिए हैप्पीनेस का कारण होता है ये, ओके। डिसीजेस रिलेटेड टू दिस एरिया, जैसे थ्रोट पे क्या होता है थायराइड, ये वो सारी जो भी डिसीजेस रिलेटेड टू दिस एरिया, यू कैन हील वेरी वेल विद द लेपिस। कम्युनिकेशन इन कनेक्टिंग विद अदर्स, जैसे अगर आप इफ अ पर्सन इज इंट्रोवर्ट और यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम कम्युनिकेटिंग योर फीलिंग्स टू अदर्स, तो आपको ऐसा लगता है ना भारीपन है गले में, राइट, भारीपन लगता है ना कि कुछ यू आर नॉट एबल टू होल्ड समथिंग, लेकिन आपको होल्ड भी करना पड़ता है, तो वो क्या होता है थायराइड को जन्म दे देता है, तो वो प्रॉब्लम जो होती है, तो उस ये क्रिस्टल से वो प्रॉब्लम दूर होती है कि दूसरों से हमें कनेक्शन कैसे रखने हैं। थॉट प्रोसेस, ऑफ कोर्स आपके थॉट प्रोसेस को, क्योंकि अपर चक्रा का है, थॉट प्रोसेस को आपको हेल्प करता है। इमोशंस इन रिलेशन टू कनेक्टिविटी, कि हमें हमारी जो कनेक्टिविटी दूसरों से, उससे जो रिलेटेड इमोशंस है उनका ध्यान रखता है। स्लीप डिसऑर्डर्स, यस इन अ वे, क्योंकि ये बहुत पीस देता है, स्लीप डिसऑर्डर इंसोम्निया वगैरह को हेल्प करता है इंसोम्निया से। चैनलाइजेशन ऑफ मैसेजेस, अगेन क्योंकि हायर चक्रा से और इट इज अ गेटवे क्रिस्टल है, तो गाइडेंसेस, ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन, एब्स्ट्रैक्ट ड्रीम, साइकिक एबिलिटीज, इन सब को बढ़ाता है। माइग्रेन्स में हेल्प, क्योंकि लंग्स यहाँ से ही
ब्रोंकाइट, जो ब्रोंकाइटल ट्यूब्स होती हैं, बेसिकली लंग से भी ज्यादा ब्रोंकाइटल ट्यूब्स के लिए, हीलिंग के लिए ज्यादा काम आता है। बहुत लोगों को ब्रोंकाइटल एज्मा होता है, तो उसके अंदर भी बहुत काम आता है ब्रोंकाइटल एज्मा, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, या फिर आपकी एलर्जीज होती है, जो ब्रोंकाइटल एलर्जीज है उसमें बहुत काम आता है। ठीक है।